नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते कोरोना महामारी में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की सूचना रोजाना आ रही है, लेकिन इन सब घटनाओं ने एक पॉजिटिव सोच को दर्शाते हुए एक खबर सामने आ रही है, जहां 98 वर्ष की वृद्ध शिक्षिका ने अपने एक महीने की पेंशन प्रधानमंत्री केयर फंड में दान किया है। यह है कोपागंज ब्लॉक के कांची कला गांव की रहने वाली फूलमती राय। फूलमती राय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान से काफी प्रभावित हैं। फूलमती राय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में दान करने के आह्वान के बाद अपना एक महीने का पेंशन केयर फंड में दान किया है। बताते चलें कि फूलमती राय कोपागंज ब्लॉक के कांची कला गांव की रहने वाली हैं। 98 वर्षीय फूलमती राय 2 जुलाई 1943 में कोपागंज में बतौर शिक्षिका के पद पर तैनात हुई। लगभग 42 वर्ष की नौकरी के बाद फूलमती राय 30 जून 1985 को रिटायर हो गई। अभी वे कोपागंज के कांची कला ग्राम में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित फूलमती राय प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद अपने एक महीने की पेंशन 21,000 रुपये जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करने के लिए दान में दिया है। जनपद की वयोवृद्ध अवकाश प्राप्त शिक्षिका गोपालगंज की निवासी 98 वर्षीय फूलमती जी द्वारा आज अपने पेंशन से 21,000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए उन्होंने आज भेंट की है। हम सभी इनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इनके इस कृत्य से जनपद के अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे। इसी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार के केयर फंड में अधिक से अधिक धनराशि देंगे, क्योंकि कोरोना की विभीषिका जी विश्वव्यापी ही नहीं सर्वव्यापी है और उसमें हर आदमी तो अपने सहयोग देना पड़ेगा। मेरी माता जी हैं फूलमती राय। ये 2/8/1943 को पहली बार इन्होंने प्राथमिक विद्यालय कोपागंज में ज्वाइन किया था और 30 जून 1985 को ये रिटायर है और अनवरत स्वस्थ हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और ये मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। जब टेलीविजन पर ये समाचार देखती तो बड़ी बड़ा द्रवित हो जाती थी और इन्होंने एक दिन कहा कि सारे लोग, मैंने कहा कि मोदी जी पैसा मांग रहे हैं लोगों से जिनके पास पैसा है, तो उन्होंने कहा कि दे दो कुछ चल के। तो हमने कहा कि इसके लिए मऊ चल के जाना पड़ेगा, तो माता जी ने कहा कि मऊ नहीं, अगर लखनऊ जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगी और देना है। तो एक महीने की पेंशन इनको 20,000 रुपये मिलती है। इन्होंने कहा कि 21,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के नाम, वो दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा फर्ज बनता है कि उसमें छोटी सी एक बूंद हम भी डाल दें।